नई दिल्ली, देश की पहली ऐसी ट्रेन जो सोलर ऊर्जा से संचालित हो रही है। उत्तर रेलवे ने इस ट्रेन का सराय रोहिल्ला से गली हरसरू के बीच ट्रायल किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि यह ट्रेन सोलर ऊर्जा द्वारा संचालित हो रही है। इस ट्रेन के प्रत्येक डिब्बों के ऊपर 16-16 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे डिब्बों के अंदर बिजली व पंखे चलेंगे। दूसरी ट्रेनों की अपेक्षा इस ट्रेन के अंदर का डिज़ाइन अलग है। इस ट्रेन के चलने से जहां एक तरफ रेल कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेल यात्रियों में भी इस ट्रेन को लेकर काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा इस ट्रेन को चलाने पर खूब सराहना भी की। इस बारे में क्या कहते हैं ट्रेन चालक, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बहुत ही खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम हम इस सोलर एनर्जी वाली जो DMU ट्रेन है उसको चलाने जा रहे हैं। वैसे तो मैं रेलवे 17 साल हो गए सेवा करते हुए, आज जो पहली बार सोलर सिस्टम ट्रेन चलाने का मौका मिला तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। इस देश की तरक्की को भी होगी और इस देश में डीजल की बचत होगी हमारी, सुविधा में सुधार होता जा रहा है। तो हमारे रोस्टर के हिसाब से होती है, टूटी कोई फिक्स नहीं होती इसमें। हाँ, कामयाब जरूर होगा।